तो दोस्तों नमस्कार, यदि आप इंटरनेट यूजर हैं, क्रोम यूजर हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको कमाल की बातें बताने वाला हूं। देखो क्रोम तो आप सभी यूज करते हैं, गूगल क्रोम की मैं बात कर रहा हूं। देखिए ये ब्राउज़र है, यहाँ पर सभी प्रोफाइल हमारी दिख रही हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई प्रोफाइल है, जैसे यही प्रोफाइल मान लीजिए है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया है कि यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर का एक एक्सटेंशन ऐड करके रखा है। एक्सटेंशन कैसे देख सकते हैं आप, सेटिंग में जाइए, यहाँ टूल में आपको दिखेगा एक्सटेंशन बार में, नहीं तो आप जो है यहाँ पे चले जाए सेटिंग में और नीचे आपको ये दिखेगा एक्सटेंशन का टैब दिया गया है। यहाँ पे आपको दिखेगा जितने भी एक्सटेंशन है यहाँ पर आपको दिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये IDM का एक्सटेंशन है, इसको मैंने इनेबल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाएँगे एप्लीकेशन में तो ये जो है यहाँ पर आप इसको पिन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक ठीक है। मान लीजिए कि आपको IDM को आपको तो पता है डाउनलोड मैनेजर का, कि आप जो है कोई भी चीज़ यहाँ पे जैसे मान लीजिए YouTube.com ही करते हैं, ओपन करते हैं तो सारी चीज़ें आपको जो है प्ले करेंगे तो आपको डाउनलोड में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई मान लीजिए कि पेज, जैसे मान लीजिए यही गूगल ट्रांसलेटर है यहाँ पर आपका है, यहाँ पर खुल रहा है, जैसे मैं अपना वेबसाइट ओपन करता हूँ poemgazalshayari.in, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर दिया तो अभी ये जो हमारा पेज है खुल रहा है, थोड़ा समय लग रहा है इंटरनेट स्पीड के कारण। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यही हमने हिंदी में जो लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में ये लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है। अगर यहाँ से आपको ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, आप ट्रांसलेट दिस पेज पर आ जाइए। ट्रांसलेट दिस पेज पर आएंगे तो आपको ये पूछेगा कौन से भाषा में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रांसलेट आप क्लिक किए तो गूगल सर्च करके यहाँ पे देगा और आपको जो है जो भाषा में आप करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। थोड़ा समय लग रहा है इसको पढ़ने, यहाँ से आप जो है राइट क्लिक करके आप इसकी भाषा भी चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी भाषा लैंग्वेज जहाँ पर इंग्लिश है उसको आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है इसकी भाषा को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप जो है कुछ भी लिखना हो, अगर सिंपल भाषा में कोई मान लीजिए लव सर्च करना है, आपको ट्रांसलेट क्लिक करेंगे तो ये दे देगा। बाकी इस प्रकार से ये वेबसाइट को भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक काम किया है कि मैंने अपने वेबसाइट में ही इनबिल्ट लगा के रखा है, जैसे ये है तो मैंने इनबिल्ट ही लगा के गूगल ट्रांसलेटर लगा के रखा है। तो इसलिए आपको जो है नीचे आना है और यहाँ पे अपने डायरेक्ट भाषा चेंज करनी है जो आपको चेक कर रहा है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो इंग्लिश आप सिलेक्ट कर लीजिए कि ये पूरी भाषा जो है इंग्लिश में हो जाएगी, पूरी हमारी पेज इंग्लिश हो जाएगी। आपको ग्रीक भाषा पढ़ना है, मराठी पढ़ना है, गुजराती पढ़ना है, गुजराती मैंने क्लिक करिए देखिए सारा गुजराती में ट्रांसलेट हो रहा है, अभी हमारी भाषा सब गुजराती हो गई है। ये बहुत अच्छा काम करता है, ये जो एक्सटेंशन होते हैं, जो टूल होते हैं, तो इस प्रकार से काम करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पेज ओपन करते हैं जो अपने इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब रोका गया है, प्रतिबंधित है जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो आप कोई भी वीडियो मान सकते हैं, चाहे जो भी वीडियो आप समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने कोई VPN यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनकॉग्निटो मोड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे कोई भी एप्लीकेशन मतलब एक्सटेंशन यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। ये क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। तो मान लीजिए हमारा कोई VPN है, अब हमें VPN की ज़रूरत ज़्यादातर इनकॉग्निटो मोड पे पड़ती है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम आपको सिंपल दिखाएं तो एक हम ऐड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम कोई VPN ऐड करते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। मान लीजिए कि कोई VPN ले लेते हैं, टच VPN इन क्रोम या फॉर क्रोम, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया तो हमें जो है इसका एक्सटेंशन यहाँ पे जो है वेब स्टोर से जाके मिल जाएगा। ये गूगल क्रोम वेब स्टोर ओपन हो गया है, अब हम इसको जो है ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो गया। अब ऐड हो रहा है, ये थोड़ा समय लेगा। जैसे ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ये VPN आ चुका है। देखिए ये VPN का एक्सटेंशन हमारे पास आ गया है, आप देख पा रहे हैं VPN हमारे कनेक्शन में आ गया है। लेकिन यह VPN अब कैसे जो है आपके इनकॉग्निटो मोड पर वर्क करेगा, क्योंकि अभी देखो ये हमारे सिंपल ब्राउजर में चल रहा है। अब जैसे ही हम इसको इनकॉग्निटो मोड ओपन करेंगे सारे एक्सटेंशन हट जाएंगे, हमारा फिर से वही हो जाएगा। तो आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं इनकॉग्निटो मोड में, मेरा बताने का उद्देश्य यही है, मैं इसीलिए वीडियो आज बना रहा हूँ।
तो सबसे पहले तो कोई भी VPN हो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसका बताने को मुझे पैसा भी नहीं मिला है, तो कोई भी VPN आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो है जो ज़्यादा यूजफुल है, जो मतलब ज़्यादा आसानी से कनेक्ट हो जाता है, तो मैंने इसको TouchVPN को ऐड किया हुआ है। अब क्या करना है कि आपको जो है इसके एक्सटेंशन में जाना है, आपको जाना है सेट 3 डॉट पे, सेटिंग में आना है और आ जाना है एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन पे आने के बाद आपको ये TouchVPN का यहाँ पे एक्सटेंशन दिख रहा है। अब आपको आना है डिटेल पे क्लिक कीजिए। डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लिखा है अलाउ इन इकॉग्निटो, तो आप ये ऑप्शन आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ कर देंगे, आपको ये इकॉग्निटो मोड पर भी ये एक्सटेंशन दिखेगा और वर्क भी करेगा। तो मान लीजिए कि एक इकॉग्निटो मोड ऐड कर दिया मैंने। अब क्या करना है कि हमें जो है यहाँ पे 3 डॉट पे आना है और उसके बाद जो है हमें इकॉग्निटो मोड पे चले जाना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इकॉग्निटो मोड में भी हमें ये VPN दिख रहा है। हम यहाँ पे जो भी VPN जिस देश का इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं या अपनी ID छुपाना चाहते हैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या बेस्ट चॉइस में जो भी कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कनेक्शन में चला गया है, अब ये देखो कनेक्ट हो जाएगा। तो VPN हमारा कनेक्ट हो चुका है इकॉग्निटो मोड पे। तो वीडियो यूजफुल तो आपको ज़रूर लगी होगी, तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।